क्या बात है भाई, आज महाराष्ट्र बॉर्डर पे यार भीड़ में भीड़ में तो हमेशा बड़ा बड़ा दिखता है। और उसके पहले ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो तो भाई ये देखो ट्रैक्टर। भाई अब इसका हिसाब लगाओ, ये कैसा ट्रैक्टर है, TS-15। भाई देखो गुड मॉर्निंग, और कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग यार करते स्टार्ट। तो फाइनली अपने टायर वेयर सब ना चेक हो गए। अभी हम हैं इस टाइम आलियाबाद। तो यार आलियाबाद में एक राजस्थानी होटल पड़ता है और सीधा पीछे ना मेवाटी होटल है अपने पीछे। तो यहाँ पे यार रात गाड़ी लगा दी थी 7 बजे और आराम से हम ना निकल रहे हैं 7 बजे, यानी 7 बजे यानी 12 घंटे पूरे निकल रहे हैं। तो अभी निकलते हैं सीधा बॉर्डर वॉर्डर पास करते हैं, उसके बाद डीजल उजल लेंगे। और गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और आपके एक आध क्वेश्चनों के जो होते हैं ना क्वेश्चन, उनके भी आपके एक आध कमेंटों का जवाब भी इसमें देता रहूँगा। और आपको हैदराबाद, ताहिराबाद इन सब रास्तों से और कुछ यूनिक जानकारियाँ देते हुए चलूँगा। तो गाइस कंटिन्यू करते अपना ब्लॉग। तो यार अभी यहाँ से मैं नीचे उतरना है हाईवे पे, हाईवे सामने वो रहा। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो। क्या बात है भाई, आज महाराष्ट्र बॉर्डर पे यार भीड़ में भीड़ में तो हमेशा बड़ा बड़ा दिखता है। और पूरा खाली है, देख रहे हो पूरा खाली। बॉर्डर में ना अपना काम फटाफट हो रहा है, हम लोग को लाइन में लगाना नहीं पड़ा, फटाफट अपना बॉर्डर भी यानी बॉर्डर पर काटा भी हो गया। अभी सामने फटाफट यहाँ पे भी काम हो जाएगा, क्योंकि भाई आज बॉर्डर पे ना कोई नहीं दिखाई दे रहा है, काम कम है, किस लिए है पता नहीं। अभी आज 23 तारीख है, 23 दिसंबर, अब इस महीने के 7 दिन और बचे हैं। तो गाइस यार फटाफट अपना बॉर्डर पास हो गया, तो फाइनली ना आप निकल रहे हैं। यार ये थोड़ा सा ना दिक्कत पड़ता है, ये थोड़ी सी जगह थोड़ी सी बेकार है, जैसे कि आप देख सकते हो ये खड्डा खड्डा ज़्यादा है ना, इसके लिए थोड़ा यार दिक्कत होता है। अब वो खड्डा निकल गया उधर से, अपनी गाड़ी पूरी स्टेरिंग टर्न कर देते हैं। क्या करें, मिली वाली गाड़ी में ना भाई ज़्यादातर करके खड्डे में जाने पड़ते हैं, बस खड्डे बच कर मस्त अपनी गाड़ी चल रही है। अभी यार बॉर्डर पास हो गया मस्त आराम से, अभी ना सामने मिल जाएगा अपना कर्नाटक का बॉर्डर, फिर उसके बाद तेलंगाना। अभी फटाफट यार पार करते हैं, क्या करें, वैसे भी कर्नाटक वाले पे ना ज़्यादा जाम लगता नहीं, और महाराष्ट्र पे जो लगता है वो लगता है, क्योंकि यहाँ पे कांटे होते हैं, कांटे होने के बाद कुछ होता है। तो गाइस अभी फटाफट यार पार करते हैं, क्या करें, इधर गड्ढे इतने भाई क्या बताएं, खड्डों से यार वो हो जाता है, खड्डे ना वो जानी दुश्मन होते हैं। तो भाई ये हमारा आ गया दूसरा चेक पोस्ट, जो कि हनुमानाबाद में पड़ता है कर्नाटक का। तो अभी इस पर भी देखो थोड़े बहुत भीड़ लगे हैं, पर उतने नहीं, इस पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोई भीड़ कुछ नहीं है, क्योंकि आराम से यहाँ पे जाओ, एंट्री वगैरह जो भी है वो फॉलो करो और निकल जाओ। तो इसके लिए इसको कोई बॉर्डर नहीं बोला जाएगा, मतलब कोई भीड़ नहीं बोला जाएगा ऐसा। कोई छोटा सी ये काउंटर बना है यहाँ पे, ODC माल जो कि ओवर साइज होते हैं। बस भाई बस वही फटाफट बंद करते हैं, चलते हैं। तो भाई ये भी बॉर्डर ना अपना पास हो गया, अब निकलते हैं। तभी ये देखो ODC माल है भाई, ये ले जाने में ना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जाम ज़्यादा लगते हैं रोडों पे। कभी कभी तो ऐसा ODC माल रहता है ना, ये 4 लाइन दिख रहा है ना, मतलब 2 लाइन है जाने का, पर इसमें से आधा लाइन बचता है, बहुत मुश्किल से भाई साइड मिलता है जाने के लिए। गाइस अब यार आ गया अपना पंप, अब यहाँ से ना
डीजल लेते हैं। डीजल लेने के बाद गाइस आगे बढ़ेंगे, पहले फ़ोन करके ना मैसेज करवा लेते कि डीजल का मैसेज हुआ है या नहीं। भाई अपना ना डीजल लोड हो गया, अब यार पंप पे जाम लगा है। फाइनली एक सुशीला की गाड़ी पीछे है और ये गाड़ियाँ जब हटेगी ना उसके बाद ही निकलेगा। और डीजल भी अपना फुल हो गया, अब देखते हैं कहाँ तक। और सुशीला की गाड़ी पीछे लगी है, ये दिख रहा है कैमरे में। तो भाई कैमरा कभी कभी काम आता है और कभी कभी नहीं, क्योंकि यार जब गाड़ी बैक करनी होती ना सबसे ज़्यादा करके तब जाके अपना कैमरा का काम पड़ता है, जो कि अपना आदमी आराम से देख सकता है। तो देख कैसे अपना बैक हो जाता है, वैसे भी मेरे पास कंडक्टर है नहीं। तो भाई ये हमारा आ गया तीसरा चेक पोस्ट, जो कि पड़ता है तेलंगाना का, सामने देख सकते हो बोर्ड। तो गाइस अब इसको ना धीरे धीरे करते हैं पार, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा जाम नहीं लगता। भाई ये रोड पे छोटा सा चेक पोस्ट है, फटाफट भाई एंट्री दो, या चलान है तो चलान कराओ और निकलो। तो भाई मेरा मैं निकल रहा हूँ आराम से, मतलब कर्नाटक बॉर्डर पे और यहाँ पे या तेलंगाना बॉर्डर पे। आगे एक तेलंगाना और पड़ेगा, फिर यूपी पड़ेगा यानी आंध्र प्रदेश। तो इन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आराम से जाओ आराम से आओ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ना वो मगजमारी का काम नहीं रहता इसके लिए। तब यार सीधा निकलते हैं आगे और कहीं होटल देख के ना रोक के खाना पीना खाते हैं। भाई बाबा ठाकुर यूपी ढाबा, भाई यूपी ढाबे से ना मेरा तो दिल मन उठ गया, इतना धूल दिल मन ही उठ गया। अब मैं यार सच में ज़्यादा वो रहेगा तभी रुकूँगा, यानी ज़्यादा इमरजेंसी रहेगा तभी रुकूँगा, नहीं तो भाई अब ना यूपी बिहार वाले ढाबे पे यार मैं नहीं रुक सकता यार। क्या बताऊँ, एक बार क्या लगभग दो बार जब मैं बीजावाड़ा गया था उधर से आते वक्त, उधर से जाते भी वक्त आते भी वक्त मैं अच्छा खासा फंसा था। भाई थोड़ा सा लेट हो जाए चले, पर राजस्थानी होटल पे रुको या गुजराती होटल पे। तो अभी यार गुजराती होटल सामने है, अभी देखते हैं आगे कोई भी होटल मिलेगा ना रोक देंगे, क्योंकि यार टाइम भी ज़्यादा हो गया है अपना, खा पी के उसके बाद निकलेंगे। हैदराबाद संगारेड्डी जहीराबाद, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। फाइनली एक उस्ताद और आ रहे हैं जिसका उनका भी विशाखापट्टनम का लोग है, वो भी फ़ोन किए थे यार। तो अभी बॉर्डर पे है, वो महाराष्ट्र बॉर्डर पे, यानी मेरे से 150 किलोमीटर पीछे है। तभी देखते हैं तो उनका इंतज़ार करेंगे इस होटल पे। तो सामने गुजराती होटल है और यहाँ पे खाना खाएंगे और नहाएंगे, फिर उसके बाद गाइस आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। गाइस यार अभी नहा धोके ना रेडी हो गए, अब चल रहे हैं खाना खाने के लिए। और उसके पहले ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो। तो भाई ये देखो ट्रैक्टर, क्या कमाल का ट्रैक्टर है ना, कमाल का नहीं काम तो बहुत करता है, पर इसका यार ये लंगड़े पे चल रहा है, इसका अगला टायर तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पे गया। और भाई यार क्या बात है, ये भी ट्रैक्टर वैसा ही है और पीछे का खड़ा है वो भी ट्रैक्टर है, सही है वो भी ट्रैक्टर में। देखो ट्रैक्टर अगला वाला टायर ना नहीं है, बस पिछले टायर है यार, क्या हिसाब है ये इसका, अभी देखते हैं। भाई अब इसका हिसाब लगाओ, ये कैसा ट्रैक्टर है, TS 15। भाई देखो खड़ा यार टायर ही नहीं है, और वो इसका वो भी ट्रैक्टर है ना, उसके भी टायर नहीं है उसके अगले वाले। और ये मिट्टी और सड़क खुदाई का काम करता है भाई, धूल उड़ रही है यार, धूल। मैं भी अभी नहा के आ रहा हूँ। भाई अब ना चल रहे हैं, खाते हैं खाना, सब्जी उब्जी का ऑर्डर देते हैं और देखते हैं क्या है खाने को। यार इस रोड पे ना, यानी सोलापुर से हैदराबाद वाले रोड पे ये एक ही गुजराती होटल पड़ता है, जो कि ये है सामने आपके हाईवे।
होटल ई है ईट क्या लिखा यार पता नहीं। लो भाई हो गया बड़ा एक्सीडेंट, ड्राइवर को शीशे से टूटे हैं और सामने ड्राइवर को बस कार वाले में हुआ है, बुलानो में। तो देखो ये कहो कि किसी ट्रक वाले से नहीं हुआ, ट्रक वाले से होता यार तो पूछो मत, वाली मत जाता, ट्रक वाले से होता तो। पर ये कहो कि कार वाले में हुआ है तो लोग अपने ना थोड़ा बहुत कहा सुनी करके बंद कर लेंगे। मैं तो यार हमेशा डरता रहता हूँ कि भाई कभी गलती से भी मेरे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ आप लोगों के लिए, कोई बहुत ध्यान से बनाता हूँ, आप देखते होंगे। तो गाइस क्या करें, ड्राइवर लाइन ही ऐसी है और कार वाले ना एक अचानक से ब्रेक मारेंगे और अचानक से चलने लगेंगे, ना इंडिकेटर देते हैं ना कुछ। मैं देखता हूँ कार वाले की बहुत गलती है, आप लोगों को बताता भी रहता हूँ, पर क्या करेगा इस काम टाइम का बात है। तो अभी हम आ चुके हैं सीधा हैदराबाद, यार ये रिंग रोड है, रिंग रोड ये नहीं है सामने वाला है, पर ये अभी रिंग रोड में ही कसोता मिलता है। तो यार ये गाड़ी क्या कर रही है यार, समझ में नहीं आ रहा है। इंडिकेटर दे दिया फाइनली रिंग रोड पर चढ़ने के लिए और ये गाड़ी थोड़ा अलग जा रही है यार, और हमें चलना है यहीं से घूमर के गोल गोल रिंग रोड पे। खाली ये सरदार जी का सामने ट्रक जो कि आराम से मिल रहे हैं, और ये भी सारे रिंग रोड पे चढ़ के ना जिनकी जगह जाना होगा वो जाएंगे, क्योंकि ये रिंग रोड ही है सबको हर एक रोड पे उतारने के लिए। तो चलो फिर फटाफट गोल गोल घूमर के ना रिंग रोड पे चढ़ते हैं, वैसे मज़ा आता है गोल गोल चलने में। पे ध्यान दो यहाँ पे, तो भाई शाम के बज चुके 6:30 और यार हैदराबाद रिंग रोड पे है इस टाइम, यार देख सकते हो शाम के नज़ारे इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मैं बोला एक बार आपको दिखा दूँ, क्योंकि हमें यहाँ से अभी 10 किलोमीटर बाद एग्जिट करना है। भाई इसी 10 किलोमीटर बाद अंडर में आपको ये सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है जो कि आज मैं भी देख रहा हूँ। भाई एक बार ना ये नज़ारे तो यार ऐसा लग रहा है भाई अलग से दुनिया में आ गए, यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई 3D पेंट किया हो या वॉलपेपर हो। तो भाई एक बार ज़रूर बताना कि ये वाला जो आपको थीम्स दिख रही है ना कैसी लग रही है, डुप्लीकेट नहीं है ओरिजिनल है, आपको भी पीछे भी मैं दिखाता हूँ। वैसे यार शाम के 6:30 और सुंदर से नज़ारे वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गाइस ना हमें यहाँ से 10 किलोमीटर बाद विजयवाड़ा के लिए उतरना होगा, यानी 11 नंबर से एग्जिट करना होगा, और अभी 11 नंबर नंबर तक बचे हैं अपने 10 किलोमीटर। अभी यार ये उस्ताद बोल रहे हैं कि यार बहुत मज़े में हो, बहुत मज़े में हैं, जैसे हम लोगों की ये भाषा हो जाती है कि इशारों में बात हो जाती है। तो भाई सर बताओ ना ये सुंदर सा नज़ारे मुझे ना फिर कहाँ नहीं जा रहा है यार, इतना सुंदर लग रहा है। तो चलो फटाफट अपना 10 किलोमीटर एग्जिट करते हैं और उतरते हैं विजयवाड़ा वाले रोड पे, और फिर उसके बाद गाइस कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग और होटल पे, फिर उसके बाद गाइस रुकेंगे होटल पे। होटल पे रुकने के बाद एक गाड़ी जो हमारे आ रही है पीछे वो भी विजय विशाखापट्टनम की लोड है, वो आए अभी यार जहाँ पे हम डीजल ले रहे थे अभी वहाँ पे, यानी तेलंगाना बॉर्डर पे होंगे इस टाइम। तो इसके लिए अभी वहीं पे हैदराबाद के रिंग रोड चढ़ने से पहले ही वही होटल में सो जाएंगे, कल निकलेंगे और हम ना यहाँ रिंग रोड से बनने के बाद कोई होटल मिलेगा राजस्थानी या पंजाबी ढाबा होटल, वहाँ पे आराम से रुक के सोएंगे, और तब तक सुबह जब तक हम सुबह उठते हैं 7-8 बजे तक तब तक वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद साथ में ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। वैसे फिर से दिखाता हूँ यार ये सुंदर नज़ारे में जितना तारीफ करो ना उतना कम है यार।
रात के बज चुके 8 और अभी ना अपनी गाड़ी यार राजस्थान होटल पे फाइनली लगा दी। और देख सकते हो गाड़ियाँ लगी हैं, बस यहाँ का थोड़ा सा दिक्कत है यार, जो अपना इतनी बड़ी गाड़ी है ना यार टर्न लेने में दिक्कत कर रही है, क्योंकि ये होटल है ना, जहाँ पे होटल में घुसने का रास्ता बना है वो रास्ता थोड़ा सा छोटा है, पर फिर भी घूम जा रही है गाड़ियाँ। बस एक पेड़ ना, वो पेड़ कट जाएगा तो मस्त गाड़ी आराम से अंदर आएगी, कल सुबह आपको दिखाऊंगा। अब यार रात के 8 बज चुके हैं और अभी गाड़ी अपनी मस्त लग गई है और यहीं पे रुके रहेंगे जब तक वो दूसरे वाले उस्ताद नहीं आ जाएंगे, क्योंकि उसका भी विशाखापट्टनम का है और हमारा भी, वो आएंगे फिर साथ में चलेंगे विशाखापट्टनम। तो यार नाम भी थोड़ा वो रहता है ना, अगर याद नहीं रहता तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो गाइस अब यार खा पी के ना आराम से फिर सोते हैं और फिर मिलते हैं आपको से नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तब तक लिए बाय बाय एंड जय हिंद। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो ना इंस्टाग्राम पे जाके पूछो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी स्क्रीन पे, नहीं तो अर्जुन लाइव करके इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो आ जाएगा।